हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ डिक्सर्टी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 30 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के हिसाब से पॉलिटी का दे दूंगा। आप इसको अपने हिसाब से कीजिए और देखिए कितने आपका स्कोर हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप अगर देखेंगे तो आईबी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है, या आप एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि पॉलिटी से लगभग 4-5 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं दोस्तों। तो एकदम आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए, आप अपने आप से सॉल्व कीजिए 30 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते पहला क्वेश्चन क्या है मॉक टेस्ट का। तो वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कहाँ पर हुआ था? तो वो न्यू दिल्ली में हुआ था। अच्छा, कौन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का चेयरमैन था? तो जवाहरलाल नेहरू था। अच्छा, जब नेशनल इमरजेंसी होता है तब कौन सा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? तो राइट टू फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इमरजेंसी बीन डिक्लेयर, कितने बार हम लोग का जो फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है? अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, नॉट इवन वंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन इंडिया? तो इंडिया में देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी मेंशन नहीं है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जज इन अ हाई कोर्ट? तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते कितने जज होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ विच डज द पावर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द ज्यूरिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट रेस्ट? तो ये पार्लियामेंट के पास ही है, जितनी भी पावर है रेस्ट्रिक्ट करना ज्यूरिक्शन का हाई कोर्ट का, वो पार्लियामेंट के पास है, तो पार्लियामेंट ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। कौन ये कहा था, आई देयरफॉर वांट फ्रीडम इमीडिएटली दिस एवरी नाइट बिफोर डॉन इफ़ आई कैन बी हैड? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अच्छा, कितने एज तक यूपीएससी का मेंबर जो है वो रह सकता है, फंक्शन कर सकता है? दैट इज 65 ईयर्स। अच्छा, व्हिच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? सबसे ब्रीफ है यूएसए का, छोटा है एकदम ब्रीफ। हु वॉज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946? कौन बना था इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था? तो वो सरदार पटेल थे जो होम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है। व्हिच कमिटी वॉज असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर? तो वो मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस सेक्टर का जो रिकमेंडेशन किया था रिफॉर्म्स के लिए। व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? वो 14 साल है, ठीक है, परमिसेबल, उसे नीचे आप नहीं कर सकते। हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप? तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, ठीक है, और किसी के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है। When the Vice President act as President, he gets the emolument of which post? President का ही मिलेगा definitely, ठीक है। तो President का जब काम करेंगे जितने भी salaries, जितने भी parks, जितने भी ये हैं, सब President का ही मिलेगा। Next question देख लेते हैं, the resolution for removing the Vice President of India can be moved in which सभा? तो ये सिर्फ लोक राज्यसभा में ही हो सकता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि Vice President वहीं पे एक ऑफिसर चेयरमैन है, तो वो राज्यसभा में ही हो सकता है। टू होम डज द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट रिपोर्ट? वो लोकसभा स्पीकर को देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप अच्छा से ध्यान रखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट ही है, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। विच यूनियन टेरिटरी अटेंड स्टेट इन फेब्रुवरी 1987? तो 1987 में गोवा को मिला था, डेट याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बोला गया था? ये आर्टिकल 40 है। तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल के ऊपर पूरा वीडियो बना हुआ है, आप एकदम इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसको ज़रूर देख लीजिए, उसके अलावा आपको आर्टिकल कुछ पढ़ना भी नहीं है। और अमेंडमेंट के ऊपर भी दिया हुआ है, तो आर्टिकल अमेंडमेंट के ऊपर पूरा पॉलिटी का दिया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इशू ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द पंचायती राज? तो 73rd अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द प्रीम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन? तो ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीम्बल क्या है? इसमें स्पिरिट समझ ये दिखलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है वो दिखलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सोर्स ऑफ इंडिया सॉवरेनिटी लाइज इन व्हिच थिंग? वो प्रीम्बल में ही है।
अच्छा, व्हेन डिड वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइज प्रेसिडेंट ही गेट्स द इम्यूनिटी ऑफ व्हिच पोस्ट प्रेसिडेंट का फिर रिपीटेशन हो गया. नेक्स्ट देख लेते, इन इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री. तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंग्लैंड से रहा लेके हम लोग आए हैं, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते, इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव इन द लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो पहला जो हुआ था वो 1963 में हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव हुआ था, ठीक है. फ्रॉम व्हेयर कैन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लेम इम्यूनिटी. तो सिर्फ सिविल केस में इम्यूनिटी आपको मिल सकता है, क्रिमिनल केस में नहीं मिल सकता है, ठीक है. विथ विच द एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटिंग टू द कॉन्करेंट सब्जेक्ट रिमेन. तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सेंटर के पास ही है दोस्तों. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको देख लीजिए, आप इसको अपने से अटेम्प्ट कीजिए, करके देखिए कितना स्कोर हो रहा है, और मेरे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए दोस्तों. तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, ज़रूर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.